Hey everyone, I'm Genetic. Welcome back to a new video of Pokemon Sword and Shield. So guys, last time अपन लोग route 2 पे थे and Professor Maglonia ने अपने को एक bill ticket दी थी, यानी कि SSNA की train ticket थी. And then we comes in a desert city and उसके बाद में train में से wild area में आ गए थे. एंड वी कैचेस अ न्यू पोकेमोन, यार उसे कैसे भूल सकते हैं. आपने बैगॉन को पकड़ा था लास्ट, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 6 पोकेमोन हो गए थे. सो डेट्स वाई. एंड जब सिटी में जाएंगे तब अपन ले लेंगे बैगॉन को अपने पार्टी में. एंड यहाँ पे एक बॉल पड़ी थी जिसके अंदर अपने को मैक्स रिवाइव मिला है, यानी कि आकाश पुट सा मैक्स रिवाइव इन इस पॉकेट. एंड ओके, सो फिर यहाँ पर एक और एक बॉल है, सो लेट्स टेक दैट आल्सो. एंड आकाश फाउंड वन मैक्स पोशन एंड आकाश पुट मैक्स पोशन इन इस पॉकेट. ओके, सो फिर यहाँ पे चूलेट है जो कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चूलेट है. सो अपन को बस इस वाइल्ड एरिया से बाहर निकलना है. एंड अपन को जो पोकेमोन रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाना है क्योंकि अपन को जिम चैलेंज के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, वो भी नेक्स्ट सिटी में. सो गाइस, अपन जो थे वो गलत एरिया पे आ गए थे, यानी कि वहाँ पे जो रूट थी वो क्लोज थी, अपन उसे क्रॉस नहीं कर पा रहे थे. सो गाइस, मुझे लगता है कि जहाँ से अपन आए थे, यानी कि जो नर्स जॉय थी उससे, वो दूसरी साइड वाली रास्ता जहाँ से अपन को बैगॉन मिला था, सो अपन मुझे लगता है वहीं से जाना है. यहाँ पर तो रूट नहीं है, मैंने यहाँ पर पूरा चेक कर लिया है, बस यहाँ पे रूट नहीं है. सो फिर अपन को उसी वाले रूट से जाना है जहाँ से अपन को बैगॉन मिला था, ए वाला रूट था जो. सो चलते अपन इस रूट से. सो या गाइस, अपन आ चुके हैं इस वाले रूट पे. एंड गाइस, आज अपन को इस वाइल्ड एरिया से बाहर निकलना है क्योंकि जो आप लोगों को जिम चैलेंज के लिए भी रजिस्ट्रेशन भी करना है जो कि नेक्स्ट सिटी में है. एंड उस सिटी में जो होप्स एंड सोनिया अपना वेट कर रही है, तो फिर फटाफट चलते हैं. सो आकाश फाउंड अ लीफ स्टोन. ओके, आप उनको एक लीफ स्टोन भी मिला है. मैं बोल रहा था कि उस सिटी में जो है कि सोनिया एंड जो होप्स है वो भी अपना वेट कर रहे हैं. सो फिर आप उनको उस सिटी में जाना है, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आया हुआ है वो. सो ओके, सो फिर यहाँ पे एक और एक बॉल है जिसके अंदर आप उनको TM11 मिला जो कंटेन करता है सनी डे. सो यहाँ पे और एक है, सो फिर लेट्स टेक. ओके, इसके अंदर भी आप उनको और एक मैक्स पोशन भी मिला है. ओके, दैट नाइस. यानी कि अभी तक जो भी पॉकेबॉल मिली है उसमें सब रेयर आइटम ही मिला है. यानी कि आप देख लो यार, अभी तक जो भी पॉकेबॉल मिली है, जो भी लिप स्टोन रहा या फिर सब मैक्स पोशन मैक्स रिवाइव, सब रेयर ही मिल रहा है. एंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यानी कि मतलब कि मैंने ना 3-4 न्यू पोकेमोन पकड़े हैं, लेकिन पता नहीं हो कैसे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया जो कि मैंने कैच कर लिए थे. सो फिर मैंने 3-4 न्यू पोकेमोन पकड़ लिए. सो फिर अपन जैसे ही नेक्स्ट वाले सिटी में जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से न्यू पोकेमोन पकड़े यानी कि कैच कर लिए. सो ये रहा पोकेमोन सेंटर. सो लेट्स हील आवर पोकेमोन. हाई नर्स जॉय, हाउ आर यू? ओके, सो गाइस, अपने पोकेमोन जो हील हो रहे एंड हील हो भी चुके. सो मुझे कुछ पॉकीबॉल लेनी थी, मेरे पास एक भी नहीं थी. जो अपन वाइल्ड एरिया से आए तो वहीं पे मेरे पूरी पॉकीबॉल मैंने यूज़ कर ली थी. सो मैं यहाँ पे मुझे 5 बस होगी क्योंकि अभी मेरे पास एक्स्ट्रा मनी तो नहीं है. सो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग. सो ये रहा अपन, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से न्यू पॉकीबॉल पकड़े. सो ओके, सो ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने कौन कौन से न्यू पोकेमोन पकड़े हुए. सो फिर एक बार क्या देख लेते हैं अपन. ब्लिप बग. ओके, सो ओके, सो फिर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं रियल टाइम
सो या ये लोगों ने जो ये दोनों जो बंदे थे उन्होंने जो बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लगा, यानी कि देख के अच्छा लगा। सो ये मेरी पार्टी में मैंने अपने पोकेमॉन रखे हैं, जो कि अपन रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ मैटर बिटर हो जाए तो फिर काम आ सके। सो ठीक है, अपन चलते हैं। अपना जो नाम है उसको अपन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, यानी कि अपने जिम चैलेंज से पहले अपन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो ओके, होप है यहाँ पे। Hey, Monster Stadium, this is where the match opening ceremony will take place. Everyone will be seeing the opening. My mother, your mother, everyone. It's make me nervous, really. I'm actually really excited. Come on, Akash. It's a time for the world to know our names. Okay. So guys, यहाँ पे अपन को अपने नाम जो है रजिस्टर करने हैं। सो या गाइस, अपन ने अपने जो नाम है उसे रजिस्टर करा लिया है अपने जिम चैलेंज के लिए, जो कि अपन को उससे पहले अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और भी कंपटीटर आए हुए हैं। सो चलते हैं अंदर। ओके, सो फिर गाइस, जो अपना जिम चैलेंज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, एंड वहाँ पे जो टीम आई थी, यानी कि टीम एल करके कोई तो टीम थी जो टीम रॉकेट के तरह ही कुछ गंदे गंदे काम करती है। एंड गाइस, यानी कि जो वहाँ पे 8 पार्टिसिपेंट आए थे उसमें कुछ ट्रेनर्स भी थे, एंड मोस्टली जो थे वहाँ के पोकेमॉन जिम यानी कि जिम लीडर थे, एंड जो कि 8 जिम बैचेस अपन को उनसे लेने हैं, वो वाले जिम लीडर से, जो कि अपन को उनको हराना है। एंड अच्छे खासे तगड़े लग रहे थे वो लोग। सो हराना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपका भाई है ना, हरा देगा। एंड
आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में मुझे लिख के बताना ये वाली वीडियो आपको कहाँ से मिली, यानी कि ब्राउजिंग फीचर से मिली है या फिर वीडियो यूट्यूब पे सर्च करने पे मिली है, सो भी उतना मुझे कमेंट पे बता देना। एंड गाइस आप लोग आपके भाई को इंस्टाग्राम के भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे हुई है। एंड गाइस इन द नेक्स्ट वाली वीडियो वी आर चैलेंजिंग द फर्स्ट जिम लीडर ऑफ गैला रीजन फॉर आवर फर्स्ट जिम बैच इन दी पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड। सो गाइस तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वाली वीडियो को भी लाइक कर देना।